बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 14 डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक उनका लाइफ कैरेक्टर होता है कि दे कैन मूव एंड दे कैन ईट। वो खा सकते हैं, वो चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा लाइफ के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और भी कैरेक्टर एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, जिसका नाम होता है रिप्रोडक्शन या लाइफ को आगे बढ़ाना। वर्ड है रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, किसी चीज़ का दोबारा से पैदा करना। आपने 9th क्लास के अंदर आपको याद होगा हमने चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या था कि एक सेल अपने आप को दोबारा से न्यू सेल के अंदर चेंज कर लेता था, अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल बना लेता था। सेम इस तरह क्या होगा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन के अंदर भी एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानदार जो है वो अपने आप को दोबारा से पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी कि क्या होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं और अपने आप में न्यू जानदार पैदा करते हैं, बनाते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि इसका मकसद होता है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज को पैदा करना। यानी कि एक जनरेशन जो है पेरेंट जनरेशन होती है, जो पहले जानदार होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो आगे बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन कहलाती है, उनको ऑफस्प्रिंग्स भी कहा जाता है। अब हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने कहा कि करैक्टर होता है, बट क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करैक्टर होने के साथ साथ क्या ये लाइफ के लिए नेसेसरी है? क्या ये ज़रूरी है कि जो जानदार रिप्रोडक्शन करेंगे वही लिविंग रहेंगे, जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे वो लिविंग नहीं होंगे? रिप्रोडक्शन जो है वो जस्ट एक प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ है। अपनी लाइफ को, लाइफ कंटिन्यूटी के लिए, लाइफ को आगे जारी रखने के लिए एक प्रोसेस है। बट इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई जानदार रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइक ऑक्सीजन, लाइक अवर फूड, ये इतना कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का हिस्सा है, ताकि लाइफ जो है वो कंटिन्यू रह सके, आगे प्रोसीड हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है नॉट इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जस्ट ज़रूरी है कि किसके लिए, कंटिन्यूशन या आगे प्रोडक्शन नेक्स्ट नस्ल को जारी रखने के लिए ये प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये यही प्रोसेस होता है जिसके जरिए से हम नस्ल को आगे प्रोसीड आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, न्यू जानदार के अंदर तब्दील कर लेते हैं, अपने जैसे जानदार बना लेते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो है ये प्रोसेस होता कैसे है, क्या ये क्यों ज़रूरी है, इसके मकसद क्या है, इसके पीछे क्या वजूहत है और क्यों इसको बढ़ाया जाता है, क्यों में क्यों इसका रोल क्या है लाइफ के अंदर, रिप्रोडक्शन का रोल क्या है? कि हम जानते हैं कि डेथ जो है इसकी कई वजूहत हो सकती है, वो डिजीज़ हो सकती है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन हो सकता है, वो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि लाइक कोई डिसऑर्डर पैदा हो गया किसी नस्ल के अंदर, लाइक पोलियो है या कोई वायरस है या कोई एड्स है, कोई भी ऐसे कैंसर सेल्स है वो डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसम की वजह से जानदारों की पूरी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों की वजह से, यानी कि डिजीज़ कंपटीशन एंड जेनेटिक फैक्टर्स एंड सम अदर डिसऑर्डर्स की वजह से क्या होता है कि लाइफ जो है वो या आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर हम जानते हैं कि एक इकोसिस्टम का वर्ड होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जहाँ पे जानदार मर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जानदार का आगे इस डिक्रीजिंग पॉपुलेशन को इंक्रीज भी किया जाए, जो जानदार कम हो रहे हैं उनको बढ़ाया भी जाए। ठीक है जी, वो बढ़ाएंगे किसके जरिए से, उसके जरिए से वो प्रोसेस क्या रहता है, रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का तवाजन बरकरार रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा कि जानदार अपने आप को डिवाइड करते हैं, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ, कैसे डिवाइड करते हैं, इसके दो तरीकेकार हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से जाहिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सेक्सेस मीन के जेंडर इन्वॉल्व हो,
जिसमें दो जानवर इन्वॉल्व होंगे, टू ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कितने जानवर हिस्सा लेते हैं, टू ऑर्गेनिज्म जो है वो टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सेक्सेस, जेंडर, यानी कि एब्सेंस ऑफ जेंडर, इसमें सेक्सेस या जेंडर मौजूद नहीं होते। इसमें जैसे सिंगल जानदार जो होता है वही अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू करता है। नंबर वन, इसमें चूंकि दो जानदार इन्वॉल्व होते हैं, ये दो जानदार पैदा करते हैं एग्स एंड स्पर्म्स, इनको कहते हैं गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स प्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट बनता है, क्या बनता है, जायगोट। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि गैमीट्स नहीं बनते तो जायगोट भी नहीं बनेगा। ये हमारे पास सीरीज का डिफरेंस आ जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो जानवर इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट सिंगल जानवर इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्स एंड स्पर्म बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्स एंड स्पर्म नहीं बनेंगे क्योंकि सिंगल जानवर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एग्स और स्पर्म के मिलने से जायगोट बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चूंकि सिंगल जानवर है गैमीट्स ही नहीं बनते, एग्स एंड स्पर्म ही नहीं होते तो जायगोट नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम ये भी जानते हैं कि उसमें वेरिएशंस आती हैं, क्यों, उसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट सेम स्पीशीज, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट सेम स्पीशीज वो इन्वॉल्व होते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल जानदार होता है उसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन मौजूद नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बेटे, ये एक टफ प्रोसेस होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अ सिंपल प्रोसेस जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से सबसे पहला हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज दैट बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन नाम से जाहिर है, वर्ड बाय, अब देखो बाय साइकिल, साइकिल में पहिया, बाय मतलब टू, यानी एक ऐसा साइकिल जिसमें दो पहिए होते हैं, तो सेम उसी से वर्ड बाय का मतलब क्या होता है, टू, या बाय प्रोडक्ट आप देख पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बाय प्रोडक्ट इसके अंदर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता है। बाइनरी का फिशन का मतलब होता है, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, डिवाइड होना, बट बाइनरी फिशन का मतलब होता है टू ऑर्गेनिजम्स का ब्रेक हो जाना, ये एक सिंगल जानदार का दो में डिवाइड हो जाना। ठीक है जी, ये कैसे होता है, ये प्रोसेस जो है ये टेक प्लेस होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर लाइक बैक्टीरिया, ये होता है यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ के अंदर, उसके अलावा ये होता है कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, क्या होता है प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन टेक प्लेस होता है, जिस तरह के प्लेन एरिया है। ठीक है जी, या प्लेन एरिया के अलावा हम क्या कह सकते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया जो जानवर है उनके अंदर ये प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन होता है। ये प्रोसेस प्रोसीड कैसे होता है, ये प्रोसेस के अंदर ये होता है बेटे, इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर जानदार के अंदर जस्ट दो बेसिक चीजें होती हैं, फर्स्ट वन देयर न्यूक्लियस, सेकंड वन साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो लिविंग जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं उनके अंदर बेसिक जो चीजें होती है, पहला उनका न्यूक्लियस होता है सेंट्रल ऑर्गेनेल, एंड सेकंड वन इज द लिक्विड मटेरियल दैट फ्लोट इन द सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर फ्लोट करता रहता है, ये दो बेसिक चीजें होती हैं जो साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस के अंदर हिस्सा लेते हैं। हम बात करेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस की, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की, तो क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर जो यूनिसेलुलर जानदार का न्यूक्लियस होता है ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ये अपने जैसे एक और को डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डुप्लीकेट होता है, तो सेम इसके साथ जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है, वो भी अपने आप में डबल हो जाता है, ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी बढ़ जाता है। ठीक हो गया जी, दोबारा सुनिएगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, सिंगल था दो हो जाएंगे। सेम इसी तरह उस प्रोसेस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी अपने आप को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। साइटोप्लाज्म पहले यहाँ पे कम था, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या नेक्स्ट सेल के अंदर जब ये डिवाइड हो रहा होगा नेक्स्ट डिवीजन के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सेल दोबारा अपने साइटोप्लाज्म ही ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल के जो है वो अपने आप में क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो अपोजिट पोल में शुरू हो जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस इस तरह मूव करके इस चक्कर में तब्दील हो जाएगा।
और सेल जो है वो दरमियान से पिंच होना शुरू हो जाएगा, दरमियान से दबना शुरू हो जाएगा। जब दरमियान से दबना शुरू हो जाएगा इसका मतलब क्या कि बाहर जो ऊपर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, ये जो अपर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, ये इन्वेजिनेट्स हो जाती है अंदर की तरफ, और लोअर जो मेम्ब्रेन है वो भी अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है। तो जी लाइक दिस स्टकल नंबर 3 की तरह आपको सामने नजर आ रहा है। अब क्या होगा कि जब न्यूक्लियस जो अपोजिट पोल पे चला जाएगा तो साइटोप्लाज्म भी हर सेल के अंदर अपना अपना डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि सेल जो दरमियान से कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास दो डॉटर बैक्टीरियल सेल हासिल हो जाएंगे जिनका जो स्मॉल इन साइज होंगे। तो यहाँ पे ये भी बात काबिल गौर है कि जो पेरेंट सेल है उनका साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, बट जो डॉटर सेल्स है उनका साइज क्या होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, साइज उनका छोटा होगा कम होगा। लेकिन ये डॉटर सेल्स है ये जब एट द एज ऑफ मेच्योरिटी को पहुंचेंगे तो फिर ये भी सेम इसी तरह अपने आप को डिवाइड करेंगे और अपने सेल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इनमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, यानी कि जिस तरह के पेरेंट सेल थे डॉटर सेल भी सेम उसी तरह के थे, इनमें किसी किस्म का कोई वेरिएशन कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से रिलेटेड ही कुछ जानदारे ऐसे होते हैं जैसे कि अमेबा, अमेबा के अंदर भी प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन होता है इसी तरह से, बट सम टाइम क्या होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमेबा का जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करना रोक लेता है, डिवाइड कर डिवीजन का प्रोसेस रोक लेता है। बट चूंकि एज ऑफ मेच्योरिटी होती है मेच्योर सेल होता है तो उसका न्यूक्लियस जो है वो अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है। कैसे देखते हैं, ये हमारे सामने एक अमेबा का सेल है, अमेबा की हम जानते हैं कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती। अमेबा जो है वो अपने आप को सबसे पहले राउंड शक्ल में डिवाइड कर लेता है, डिवाइड करने के राउंड शक्ल में अरेंज कर लेता है, सॉरी अरेंज करने के बाद ये क्या करेगा सेल मेम्ब्रेन के इंटरनली, सेल मेम्ब्रेन के इंटरनली एक हार्ड लेयर बन जाती है जिसको नाम दिया जाता है सिस्ट, जिसको नाम क्या दिया जाता है सिस्ट। याद रहे सिस्ट जब सिर्फ पुस्तक बनेगी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब किसी की अनफेवरेबल कंडीशन सेल के अंदर पैदा होगी सिर्फ उसी वक्त जो है वो सिस्ट बनेगी। सिस्ट बनने के बाद क्या होगा सेल का जो इंटरनली साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एंड ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियस, सेल का जो इंटरनल साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत से छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियाई है। एक सेल जो है बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, जब न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो क्या होगा सेम उस तरह साइटोप्लाज्म जो है वो भी अपने आप को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये बात भी काफी और है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो थी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस थी दैट इज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है जी। सेम इस तरह साइटोप्लाज्म जो है वो भी हर न्यूक्लियाई के अराउंड थोड़ा थोड़ा जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी। ये शो किया गया यहाँ पे, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है जो हर सेल के अराउंड थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो गया है। अब क्या होगा इन छोटे जानदारों को हम नाम देंगे अमीबी, क्या नाम देंगे अमीबी। तो हमने ये देखा कि एक अमीबा से उसकी उसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी पैदा हो चुके हैं, और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी तो क्या होगा ये सेल यहाँ से रैप्चर हो जाएगा और ये बहुत सारे अमीबी जो है बाहर की तरफ निकल आएंगे और ये न्यू जानदार बना देंगे। अब जो है ये बहुत सारे सेल बाहर की तरफ आ जाएंगे, ये हमने देखा एक सेल से बहुत सारे दूसरे सेल पैदा हो जाते हैं, इसका नाम दिया जाता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल मैनी मोर बहुत सारे, फिशन का मतलब टूटना। तो ये भी हमारे पास टाइप आ जाती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें कोई दूसरा जानदार इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी और उसके फिर टाइप्स और फिर आगे उसी से रिलेटेड फर्दर डिटेल। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।